हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मित्र। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। नई गाड़ी खरीदते समय कार डिस्काउंट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। लेकिन हमेशा ही एक मंगा उसमें क्या रहता है कि जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलता। ये चीज ठीक वैसे ही होती है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम लग गया है, हम इस लाइन में खड़े हैं तो साइड वाली लाइन चलनी शुरू हो जाती है, हम साइड वाली में जाए तो ये वाली चलनी शुरू हो जाती है। मतलब हम घर पर आए, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, टीवी में, हर जगह हमें दिखता है यार इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट है। जब लेने के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि सर इस पे तो डिस्काउंट नहीं है, कंपनी ने तो इस चीज पर निकाल रखा है, ये है वो रूल्स गिनाने लगते हैं। हम वापस घर आते हैं, पता लगता है यार कोई यार दोस्त लेकर आया है, उसको डिस्काउंट मिल गया, हम फिर जाते हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है। तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या वाकई डिस्काउंट नहीं होता है, या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, या कार शोरूम ने कुछ ऐसा तरीका निकाल लिया है कि हर बार वो हमें बगैर डिस्काउंट के वहां से टरका देते हैं, और बहुत बार हम परेशान होकर फिर बिना डिस्काउंट की गाड़ी उठा लाते हैं कि चलो यार 8-10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 5-10-15-20 हज़ार रुपए के डिस्काउंट के लिए क्या रोना। ऐसा बहुत बार होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या गलती हम कर रहे हैं, आज उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले गलती ना, वो तो हमारी ही होती है। और हमारी गलती वो क्या है कि हम ये सोचकर जाते हैं, हमने खूब रिसर्च कर ली है, खूब जगह पर मैंने देख लिया है, ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, अब मैं डिस्काउंट लेकर ही रहूंगा, सामने वाले को शायद नहीं पता। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए, जो चीज हमारे लिए पॉजिटिव है ना, वो चीज उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव है। ऑनलाइन वीडियोस वो लोग भी देखते हैं, वो डेली देखते हैं, उनके लिए, उनके पास ना, मतलब कंपनीज के पास पूरी टीम होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से उनको टैकल करना होता है, ये होता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कस्टमर आकर ये बोलेगा मैंने ऑनलाइन देखा था, ये किया था, ट्रिक्स लगाएंगे, उनके आपको इस तरीके से आंसर देने हैं, और उनको डेली इस टाइप के लोग मिलते हैं। हम कभी कभार जाते हैं तो वो हमें जो है आराम से टैकल कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम ऑनलाइन देख कर गए, उनको हम जाकर बोल देते हैं यार मैंने देखा था इस तरीके से, न्यूज़पेपर जो है ना वहां पर भी आपकी एड आई हुई थी, कंपनी की तरफ से आई हुई थी कि इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट है। हम मान लेते हैं टाटा पंच की बात कर लेते हैं, हम स्विफ्ट की बात कर लेते हैं कि इस पर ना कंपनी ने बोला था, खैर इन पर तो डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट वाली गाड़ी, चलो बलेनो पकड़ लेते हैं, बलेनो पर डिस्काउंट आया था कि इस पर कंपनी ने बोला आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आप लोग तो बोल रहे हो कि नहीं है। तो ये चीज वो क्या बोलकर वो आपको टैकल करते हैं कि सर जो आप वेरियंट ले रहे हैं ना बलेनो में, इस पर नहीं है। अगर आप टॉप वेरियंट लेंगे या इससे ऊपर वाला अगर वेरियंट लेंगे ना, तो वहां पर आपको डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। सर आप टाटा पंच ले रहे हैं ना, तो ये वाले वेरिएंट पर डिस्काउंट नहीं है, अगर आप वो वाला वेरिएंट लेंगे ना, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आपको कोशिश करते हैं अपर वेरिएंट की तरफ लेकर जाने के लिए, वहां पर आप ट्रिक हो जाते हैं, या तो आप अपर वेरिएंट लीजिए उनको फायदा है, या आप सेम वेरिएंट लीजिए और वहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन, सर आपने टर्म एंड वो वहां पर एक स्टार बना होता है ना, कंडीशन अप्लाई, तो ये उस चीज में आता है। तो जो कंपनी ने लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में हम लोग सोचते हैं हाँ यार हो सकता है, गाड़ी काफी फेमस है और इसके ये वाले वेरिएंट जो है ना बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो हो सकता है इन पर इतना डिस्काउंट नहीं हो। तो एक बार ना आपको क्रॉस चेक कर लेना है कंपनी से, आप कंपनी को फोन कर सकते हैं, हर बढ़िया कंपनी का जो है कस्टमर केयर नंबर होता है, क्या आप इन गाड़ियों पर इस तरीके से डिस्काउंट दे रहे हैं या किसी वेरियंट पर ही दे रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर वेरियंट पर दे रहे हैं तो आपको पता करना है किस वेरियंट पर दे रहे हैं, अगर उन्हीं पर है, सच्चाई है तो ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि अक्रॉस सभी वेरियंट पर है, तो फिर इस चीज के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने वहां पर बात की है और वो हमें बोल रहे हैं अक्रॉस सभी जितने वेरिएंट है इस वाली गाड़ी के सभी पर डिस्काउंट है, या तो आप डिस्काउंट दो अदरवाइज फिर मैं उनको बोलता हूं। तो इस तरीके से आपको ये चीज टैकल करनी है। फिर दूसरा क्या है, बहुत बार हमें क्या लगता है ना कि हाँ आजकल गाड़ियों पर डिस्काउंट मिलना कम हो गया है, पहले आज से 4 से 5 साल पहले जो डिस्काउंट मिलता था ना, आज वो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। पहले जिस तरीके से ग्रीट किया जाता था ना, उस तरीके से आज के टाइम पर ग्रीट नहीं किया जाता है जब भी हम कार शोरूम पर जाते हैं, वो हमें लगता है, और ऐसा लगवाने में कंपनी सफल हो रही है। बहुत बार हर जगह ऑनलाइन, मैंने बताया ऑनलाइन हम जितना देखते हैं ना, उतना ज्यादा वो हमारे लिए नेगेटिव भी हो रहा है। हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं उस वाले शोरूम पर लड़ाई हो गई, वहां पर उन्होंने डिस्काउंट ले मना कर दिया, इस गाड़ी पर हमें डिस्काउंट तो छोड़िए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है, उस गाड़ी पर इतना ज्यादा वेटिंग टाइम चल रहा है। तो जब यार इतना वेटिंग टाइम चल रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं आजकल, इज्जत नहीं रही कस्टमर की, तो फिर डिस्काउंट तो कहाँ मिलेगा। तो 50% तो हम वैसे ही होपलेस होकर जाते हैं, नहीं आजकल डिस्काउंट मिलता नहीं है, पर बाकी उनके पास ट्रिक्स होती हैं, वो तो बातों में उलझा ही लेते हैं।
तो आपको कभी भी ये सोचकर नहीं जाना है कि डिस्काउंट नहीं मिलता है। कोई भी गाड़ी है ना, कोई भी गाड़ी, इवन अर्टिगा की अगर हम बात कर ले, 3XO की बात कर ले, उसका जो बेस वेरिएंट है, आज के टाइम पर बहुत ज्यादा वेटिंग है। जब उनको गाड़ियों को लेने जाते हैं ना, तो वो हमें एक्स्ट्रा एसेसरीज लेने के लिए फोर्स करते हैं कि आपको ये एसेसरी लेनी पड़ेगी, तब हम आपको देते हैं। तो 80,000-90,000 बहुत बार 1,00,000 रुपए तक चली जाती है वो एसेसरीज। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप वहां पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं, उसमें नहीं, मतलब गाड़ी का जो प्राइस है उसमें डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको बोल रहे हैं 80,000 रुपए की एसेसरीज लेनी है, तो आप 40,000 रुपए की एसेसरीज में भी वो काम चला सकते हैं। डिस्काउंट हर जगह पर अवेलेबल होता है। अगर आप सोचकर जाएंगे कि मुझे लेना है डिस्काउंट, तो आप डेफिनेटली ले आएंगे। लेकिन अगर आप होपलेस होकर गए हैं कि नहीं डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो फिर तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और जिन गाड़ियों की डिमांड ही कम है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, यहाँ पर होमवर्क करना है, कौन सी गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, उसका कौन सा वेरिएंट जो है वो ज्यादा डिमांड में है और कौन सा वेरिएंट डिमांड में नहीं है। कोई भी गाड़ी है ना, कोई भी गाड़ी, आप अर्टिगा की ही बात कर लीजिए, सभी के सभी वेरिएंट उसके डिमांड में नहीं होते हैं, कभी नहीं होगा। पंच काफी डिमांड में है, नई स्विफ्ट आई है काफी डिमांड में है, उनके सभी वेरिएंट कभी डिमांड में नहीं होते हैं। कुछ ही वेरिएंट होते हैं जिनमें वेटिंग ज्यादा होती है, कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो अवेलेबल होते ही होते हैं। अगर आज अवेलेबल नहीं है, तो अगले एक वीक में, 2-4 दिन में, 5-7-10 दिन में वो चीज आपको अवेलेबल हो सकती है। तो आपको ये देखना है, आप ज्यादा डिमांड वाले जो वेरिएंट है वो ले रहे हैं या कम डिमांड वाला ले रहे हैं, तो उस पर आपको डिस्काउंट लेना है। ये होमवर्क कीजिए आप। ये मत सोचिए यार मैं ज्यादा डिमांड वाली गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। वेरिएंट भी उस पर डिसाइड करता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तीसरा, ये बात मैं ना बहुत बार बोलता हूँ, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं, उन्होंने बोल दिया चलिए आपको 20,000-30,000-50,000 जो भी डिस्काउंट है हम आपको दे देंगे, या कंपनी ने बोला है कि इस वेरिएंट पर हमें 50-60,000 रुपए का डिस्काउंट है या 20,000 का डिस्काउंट है इस गाड़ी पर हमें मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो बहुत बार शोरूम वाले बोलते हैं ठीक है ये कंपनी की तरफ से हम आपको दे देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, एक शोरूम प्राइस लिख देंगे, इंश्योरेंस का प्राइस ये है, आरसी आपकी इतने में बन जाएगी, इसमें आपको अलग से एसेसरीज हम वो दे रहे हैं, एसेसरीज पैक बोल देते हैं, ये आपको मैंडेटरी है लेना, या फिर जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो सब लिख देंगे। 10,00,000 रुपए की गाड़ी है, 12,00,000 रुपए उन्होंने बना दी है, अब इसमें से 20,000 रुपए डिस्काउंट जो कंपनी ने बोला है वो हम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हाँ ठीक है ये दे रहे हैं। तो वो चीज में भी आपको कभी नहीं आना है। हमेशा जो डिस्काउंट होगा ना, 20,000 रुपए डिस्काउंट है, वो एक शोरूम पर ही होगा। आपको बोलना है कि एक शोरूम पर ही डिस्काउंट है। अगर 10,00,000 की गाड़ी है तो 9,80,000 रुपए आप इसके लिखिए। अब आपको इंश्योरेंस लिखना है, इंश्योरेंस पर क्या डिस्काउंट दे रहे हैं वो मेरे को दीजिए, और आरसी हम जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है। जितना वो बोल रहे हैं उसके आपको रिसीट लेनी है। बहुत बार वो ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ये जरूरी नहीं होते हैं, एसेसरीज पैक ये जरूरी नहीं होते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं, इसके बदले में हम आपको, इसके बिना एक्चुअली हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। अगर आपको लेना है तो लीजिए, टेक इट और लीव इट, इसके बिना तो हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। तो आप वहां पर लीव इट कर सकते हैं, आपको भी थोड़े से गट्स दिखाने होंगे। आप बोलेंगे ना नहीं मैं तो नहीं लूंगा, आपको गाड़ी देनी है तो दीजिए, नहीं तो मैं तो ये चला, मैं कहीं और से ले लूंगा। हर कोई थोड़ी ना दे रहा, मैं आपकी गाड़ी नहीं किसी और की गाड़ी ले लूंगा, जरूरी थोड़ी ना मेरे को आपकी गाड़ी लेनी, इस टाइप की और गाड़ियां बहुत सारी हैं। तो आप में भी गट्स होने चाहिए, उस टाइम पर आप छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। अगर आपको बाय चांस वो नहीं रोकते हैं, हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं ना, वो आपको नहीं रोक रहे हैं कि ठीक है आपको जाना है तो जाइए, आप कल फिर आ जाइए ना लेने, या आपको वही गाड़ी पसंद है और कहीं से कम प्राइस में मिल ही नहीं रही है, तो आप कल आ जाइए, एक मिनट के लिए एटलीस्ट कोशिश तो करके देखिए, एक बार कोशिश तो कीजिए। वो ये तो नहीं बोलेंगे ना आप कल क्यों छोड़कर चले गए थे, आज क्यों आ गए। और अगर बाई चांस एक और थोड़ा और वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो बोल भी दे यार कल तो आप बड़े अकड़ के गए थे, तो बोल देना आज मेरी मर्जी यार, मैं अकड़ के जाऊं या प्यार से जाऊं, गाड़ी लेने आया हूं, आप गाड़ी दो, वो नहीं देगा कोई और देगा, गाड़ी तो मिल जाएगी। पैसे फेंको और तमाशा देखो तो कभी कर लो, ठीक है, जो प्राइस उन्होंने बोल दिया उस प्राइस पर तो आप गाड़ी कभी ले लो। तो लेकिन कोशिश, थोड़े गट्स अपने अंदर भी लेकर आइए, थोड़ी सी अकड़ हमको भी दिखानी है, लेकिन वो थोड़ी बहुत दिखानी है, ज्यादा में तो काम बिगड़ जाते हैं। तो गलती हमारी होती है, डिस्काउंट हमारे ऊपर है, हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम गाड़ी लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, तो सोच कर जाइए मेरे को डिस्काउंट लेना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगा, डिस्काउंट लेकर आऊंगा, और तब आप डिस्काउंट ले पाएंगे। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है, थैंक यू, बाय।